एडवांस जार्विस प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल का ये पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने जार्विस को ऐसे डेवलप किया था कि जार्विस हमसे वॉइस कमांड ले सके, उसको रिकॉग्नाइज कर सके एंड वॉइस में रिप्लाई दे सके। हमने यहाँ पे ऐसे कोड किया था कि अगर हम जार्विस को स्टार्ट करने के बाद बोलते हैं कि जार्विस, तो जार्विस हमें यस सर बोल के रिप्लाई करेगा। तो अगर आप जार्विस के साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखना है। जैसे आप इफ के अंदर ये जो कोटेशंस है, ये कोटेशंस के अंदर आप जो कुछ भी आप क्वेश्चन जार्विस को करना चाहते हो यहाँ पे आप लिख दो। एंड ये जो प्रिंट एंड स्पीक है, इस कोटेशन के अंदर आप जो आंसर आप जार्विस से सुनना चाहते हो उसको यहाँ पे लिख दो। ये प्रिंट के अंदर आप जो लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंड स्पीक के अंदर जो लिखोगे वो एज इट इज जार्विस आपको वॉइस में रिप्लाई करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, देख सकते हो कि मैं अगर हु आर यू क्वेश्चन करता हूँ तो जार्विस प्रिंट करता है माई नेम इज जार्विस एंड उसके बाद बोलता भी है माई नेम इज जार्विस। देन ये लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद मैं स्पीक करवाता हूँ एंड उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि हु क्रिएटेड यू, तो वो ये प्रिंट करता है एंड देन ये बोलता है। तो आप यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो जार्विस के साथ। अभी हम जार्विस का ऐसे कोड करेंगे कि हर बार जब हम जार्विस का रन करें तो जार्विस हमें विश करे, मतलब टाइम के हिसाब से जार्विस हमको ग्रीट करे। अगर हम सुबह जार्विस को ओपन करते हैं तो जार्विस हमें गुड मॉर्निंग बोलेगा, अगर हम दोपहर को करते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलेगा, अगर हम रात को करते हैं तो गुड इवनिंग बोलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हो कि मैंने एक विशमी फंक्शन बनाया है एंड उसको यहाँ पे डिफाइन किया है एंड यहाँ पे हमने आवर नाम का एक वेरिएबल बनाया है एंड यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल को कॉल किया है। तो ये डेट टाइम मॉड्यूल आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डेट टाइम के नीचे एक येलो लाइन दिखाएगा एंड आपको बोलेगा कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। डेट टाइम को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट स्पेस देके डेट टाइम लिख के एंटर दे देना है तो आपका ये डेट टाइम इंपोर्ट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि अगर ये जो आवर वेरिएबल है, जो आवर यहाँ पे डेट टाइम के थ्रू टाइम एक्सट्रैक्ट करता है, वो टाइम अगर जीरो से ज्यादा हो एंड 12 से कम हो, मतलब रात को 11 बजे के बाद क्लॉक रिसेट हो जाता है एंड जीरो से स्टार्ट होता है, वो जीरो से दोपहर के 12 बजे तक जार्विस हमें गुड मॉर्निंग बोलेगा, कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो जार्विस ये स्पीक फंक्शन को रन कराएगा जो कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। आप यहाँ पे और भी कुछ लिख सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पे 12 बजे से शाम को 6 बजे तक गुड आफ्टरनून कहेगा एंड यहाँ पे हमने लिखा है कि एल्स मतलब बचा ही क्या है, 6 बजे से रात को 12 बजे तक तब तक ये गुड इवनिंग बोलेगा। हम यहाँ पे एल्स भी लिख सकते थे कि यहाँ पे हमको 18 लिखना था और यहाँ पे हमको 0 लिखना था एंड उसके बाद गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये सब बोलने के बाद यहाँ पे हमने एक स्पीक फंक्शन को रन कराया कि वो आपको ये बोलेगा कि रेडी टू कम्प्लाई, मतलब मैं रेडी हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आप यहाँ पे भी कुछ भी स्पीक करवा सकते हो, जैसे हो गया कि यस सर आई एम रेडी सर, आप कुछ भी यहाँ पे स्पीक करवा सकते हैं। तो चलो इस विशमी फंक्शन को हम एक बार प्ले करके देखते हैं। तो जार्विस लिसनिंग मोड पे चला गया, जार्विस मुझे विश नहीं किया, तो ये बहुत ही बुरा किया जार्विस ने। लेकिन ये जार्विस ने क्यों किया, नहीं जार्विस का गलती नहीं है, ये मेरा ही गलती है। गलती क्या है, मैंने यहाँ पे विशमी फंक्शन बना तो दिया है लेकिन ये जो मेन बॉडी है हमारा कोड का, यहाँ पे मैंने विशमी फंक्शन को कॉल करना ही भूल गया, मैंने कॉल ही नहीं किया। तो इसको कॉल कर देते हैं। अभी हम रन कराते हैं। गुड मॉर्निंग, रेडी टू कंप्लाई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जैसे कि आप देख सकते हो कि जार्विस हमें विश कर रहा है। तभी इसके बाद हम जार्विस से कुछ इंटरनेट पे सर्च करवाएंगे। अगर हम जार्विस को ऐसे बोलते हैं कि व्हाट इज पाइथन, तो जार्विस क्या करेगा, बोलेगा कि सर्चिंग विकिपीडिया, देन जो क्यूरी हमने किया है व्हाट इज पाइथन, उससे क्या होगा, अगर ये व्हाट इज क्यूरी में इंक्लूड रहेगा तभी ये फंक्शन रन होगा। इसलिए हम क्या करवा रहे हैं कि ये जो व्हाट इज हम बोल रहे हैं, ये व्हाट इज को हम रिप्लेस करवा रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज पाइथन, तो जार्विस सिर्फ पाइथन सर्च करेगा, व्हाट इज पाइथन नहीं सर्च करेगा। तो हमने व्हाट इज को निकाल रहे हैं हम यहाँ से। रिजल्ट में जार्विस के थ्रू हमने विकिपीडिया में सर्च करवाया एंड दो सेंटेंस प्रिंट करवाया। आप यहाँ पे 3-4 sentences, 5 sentences आप यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ही sentences चूज किया है। वो आपको ऐसे बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, देन आपका जो रिजल्ट होगा उसको प्रिंट करवाएगा, देन आपको वॉइस में भी बोलेगा। तो आप यहाँ पे और कुछ लिख सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू इंटरनेट, अकॉर्डिंग टू गूगल, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं विकिपीडिया में सर्च करवा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया लिखा है। और ये विकिपीडिया यूज करने के लिए आपको पहले विकिपीडिया को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इम्पोर्ट विकिपीडिया किया है एंड इसके बाद यहाँ पे भी इम्पोर्ट विकिपीडिया करने के बाद ये इम्पोर्ट काम नहीं करेगा क्योंकि विकिपीडिया को हमें मैनुअली इंस्टॉल करना है। तो हमें यहाँ पे आके पिप इंस्टॉल विकिपीडिया लिख के
एंटर दे देना है एंड यहाँ पे आपका विकिपीडिया इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे सेटिस्फाइड आएगा। ये देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। अभी अगर आप ये चाहते हो कि विकिपीडिया में हम सिर्फ व्हाट इज नहीं, हम हु इज भी सर्च कर सकते हैं कि हु इज अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो हु इज के लिए हम यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि हु इज, यहाँ पे और देखें हम ऐसे हु इज दे सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपके क्यूरी में व्हाट इज या फिर हु इज रहता है तो वो ये फंक्शन रन कराएगा, लेकिन ये जो रिप्लेस है हम यहाँ पे ये दोनों को एक साथ रिप्लेस नहीं करवा सकते। मतलब यहाँ पे वो व्हाट इज रिप्लेस करेगा, अगर आप हु इज कहते हो तो हु इज ये रिप्लेस नहीं करवाएगा, तो वो एज इट इज हु इज एंड आप जो नेम बोलते हो वो पूरा सर्च करेगा एंड उसका रिप्लाई देगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ऐसे यूज नहीं करना है, हमको एक अलग फंक्शन ही बना लेना है। जैसे हम इसको ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, कर लिया कॉपी, ऐसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे हमने लिख दिया हु इज एंड इसके अंदर इसको भी हम चेंज कर देते हैं हु इज। तो मतलब यहाँ पे अगर आप व्हाट इज कहते हो तो ये रन होगा, अगर आप हु इज कहते हो तो ये रन होगा। तो ये हो गया विकिपीडिया में सर्च। अगर हम चाहते हैं कि गूगल में हम सर्च करें तो यहाँ पे मैंने दो मेथड दिखाए। एक तो आप ऐसे ही गूगल ओपन कर सकते हो वेब ब्राउजर मॉड्यूल के थ्रू, तो यहाँ पे भी आपको वेब ब्राउजर इंस्टॉल करना है एंड इंपोर्ट करना है, तो आपको ऐसे ही टर्मिनल में जाके पीप इंस्टॉल वेब ब्राउजर लिख के एंटर देना है, तो वेब ब्राउजर आपका इंस्टॉल हो जाएगा एंड उसके बाद ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट वेब ब्राउजर लिख के एंटर देना है, तो आपका ये वेब ब्राउजर इंपोर्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कॉमेंट करके मुझे पूछ भी सकते हैं। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैंने बोला कि जस्ट ओपन गूगल, मतलब मुझे गूगल ओपन करके दो, तो जब इस क्या करेगा कि वेब ब्राउजर के थ्रू google.com को ओपन करके देगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा इसको एडवांस किया है। अगर आप चाहते हो कि आप जब बोलोगे कि ओपन गूगल तो वो गूगल ओपन करेगा, देन आपको पूछेगा कि व्हाट शुड आई सर्च। आप यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया है व्हाट शुड आई सर्च, आप यहाँ पे कुछ और भी दे सकते हो जैसे व्हाट यू वांट टू नो, ऐसे कुछ आप दे सकते हो। देन वो यहाँ पे आपका टेक कमांड फंक्शन के थ्रू आपका एक क्वेरी लेगा, मैंने यहाँ पे क्वेरी वेरिएबल बनाया एंड आपका जो क्वेरी है उसको वेब ब्राउजर के थ्रू ओपन करवा दिया। लेकिन उसके बाद मैंने उसको एक विकिपीडिया में उसको सर्च किया एंड स्पीक करवाया, मतलब जो रिजल्ट आपका मैक्सिमम टाइम हमें जो गूगल में सर्च करते हैं वो विकिपीडिया में सर्च होकर आता है। तो मैंने क्या किया कि गूगल में आप जो सर्च कर रहे हो वो गूगल में आपका रिजल्ट तो शो होगा, उसके साथ साथ वो विकिपीडिया में भी सर्च करेगा एंड जो आंसर उसको मिलेगा वो आपको यहाँ पे बोल देगा। मैंने सेंटेंस वन सिलेक्ट किया है कि एक ही सेंटेंस बोलेगा, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। Good morning. Ready to comply. What can I do for you? Just open Google. ये देख सकते हो कि ये ओपन जस्ट गूगल को ओपन करके दिया है एंड अगर मैं बोलूं ओपन गूगल, What should I search? What is Python? जैसे कि आप देख सकते हो कि वो पाइथन, Python is an interpreted high level general purpose programming language. वो पाइथन सर्च भी किया एंड मुझे बता भी दिया। ठीक है, अभी ये हो गया गूगल में सर्च, अभी हम यूट्यूब में सर्च सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है कि अगर आप कहते हो कि जस्ट ओपन यूट्यूब तो वो आपको यूट्यूब ओपन करके देगा एंड यहाँ पे मैंने और भी दो प्रोसेस बताया। मैंने यहाँ पे एक पाई व्हाट किट मॉड्यूल का हेल्प लेके एक प्रोग्राम बनाया एंड यहाँ पे जस्ट वेब ब्राउजर के थ्रू एक प्रोग्राम बनाया। ये पाई व्हाट किट यूज करने के लिए आपको यहाँ पे पाई व्हाट किट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा एंड इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे इम्पोर्ट पाई व्हाट किट लिखना है एंड मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इम्पोर्ट करवा लिया ताकि मुझे बार बार पाई व्हाट किट लिखना ना पड़े, मैं डब्ल्यू के लिख के इसको कॉल कर लूँगा। एंड आपको इसको इंस्टॉल करना है PIP install पाई व्हाट किट, देन आपको एंटर देना है टर्मिनल में, मतलब यहाँ पे आपको pip install space पाई व्हाट किट लिख के एंटर देना है, तो आपको यहाँ पे पाई व्हाट किट इंस्टॉल हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे अब देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे पाई व्हाट किट को कॉल किया है एंड प्ले ऑन YT नाम का एक मॉड्यूल होता है वहाँ पे,
जिसके थ्रू मैंने आप जो भी यहाँ पे कहते हो, मतलब आप कहोगे कि ओपन यूट्यूब, तो वो आपको पूछेगा कि व्हाट यू विल लाइक टू वॉच, देन आप जो भी बोलोगे उसको वो यूट्यूब में सर्च बार में टाइप करके जो भी पहला वीडियो उसको मिलेगा उसको प्ले करके। और ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सर्च ऑन यूट्यूब, कुछ बोलेंगे जैसे मैंने डेमो में दिखाया था कि मैंने बोला था कि सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू फिक्स माई कीबोर्ड, मतलब मेरा कोई कीबोर्ड में प्रॉब्लम आता है तो मैंने ऐसे सर्च कर रहा हूँ। आपका कोई बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है जो हम यूट्यूब में सर्च करते हैं, तो मैंने वहाँ पे बोला था कि सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू फिक्स माई कीबोर्ड। तो क्या करेगा, आपका जो सर्च ऑन यूट्यूब होता है, नहीं तो वो एज इट इज इसको ही सर्च करेगा, मतलब यूट्यूब में जाके सर्च बार में ये लिखेगा कि सर्च ऑन यूट्यूब हाउ टू फिक्स माई कीबोर्ड। तो हमें क्या करना है, ये सर्च ऑन यूट्यूब होता है इसको रिप्लेस कर देना है कि ये सर्च बार में कॉपी ना हो, बस ओनली जो हम सर्च ऑन यूट्यूब के बाद बोलते हैं उसको वो सर्च बार में पेस्ट करेगा एंड देन सर्च कर देगा एंड जो रिजल्ट आएगा उसको दिखाएगा, कुछ प्ले नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि जो फर्स्ट रिजल्ट आए उसको प्ले करवाना है तो आप प्ले ऑन YT इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि क्या क्या वीडियो आ रहा है एंड मैं उससे चूज करूँ। ब्राउजर क्लोज करने के लिए हमने यहाँ पे टास्क किल एक कमांड का यूज किया है जो कि OS मॉड्यूल के अंदर आता है एंड ये OS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, आपको pip install OS नहीं लिखना है, बट आपको यहाँ पे OS को इम्पोर्ट कर देना है, लिखना है इम्पोर्ट देन स्पेस देके OS लिख के एंटर देना है, तब का OS मॉड्यूल इम्पोर्ट हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे लिखना है टास्किल देन /f/im देन यहाँ पे मेरा एड्ज में ओपन हो रहा है इसलिए मैंने msedge.exe जो फाइल रन होता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है एंड उसको टर्मिनेट करवाया है। अगर आपका कोई दूसरा ब्राउजर ओपन होता है जैसे कि हो गया क्रोम, तो आपको यहाँ पे लिखना है chrome.exe, तब का क्रोम टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, morning. Ready to comply. What can I do for you? Search on YouTube how to fix my mouse. इसके आप देख सकते हो ये मुझे यहाँ पे सर्च करके दिया है। Close browser. तो ये काम नहीं कर रहा है क्लोज ब्राउजर, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये इसलिए आ रहा है कि ये मुझे क्रोम में ओपन करके दिया है और यहाँ पे मैंने क्लोज ब्राउजर बोलने पे यहाँ पे edge.exe किल होता है लेकिन क्रोम किल नहीं होता, इसलिए क्रोम ऑफ नहीं हो रहा है। तो हमें एक और प्रोग्राम बनाना है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे कि क्लोज क्रोम एंड किल क्या होगा chrome.exe। अभी इसको प्ले करके देखते हैं, क्रोम का आ गया। गुड मॉर्निंग, ये रहा, रेडी टू कंप्लाई, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्लोज क्रोम, देख सकते हो कि ये chrome.exe को टर्मिनेट कर दिया। तो पार्ट टू यही खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी टास्क ऐड करेंगे एंड उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको एक नोटिफिकेशन मिले।